कि इसका जे नीट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जे नीट के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुई है बिकॉज उसका कोई अगर टेक लेता तो वो एन लेता राइट और एचआरडी मिनिस्ट्री लेती बट यहां पर जो है ऐसा कुछ नहीं है यहां पर आपका एनटीए द कंडक्टिंग अथॉरिटी वो इसके ऊपर जो है अपना टेक ले सकती है जो कि नहीं होने वाला बिकॉज कॉम्पिटिव एग्जामिनेशन में सिलेबस रिड्यूस करके हम लोग किसी की नॉलेज को चेक नहीं कर सकते सो ऑब्वियली इट्स नॉट गोना बी अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन सो जो लोग ये देखने आए थे वो लोग अभी जा सकते हैं ये सिर्फ सी बोर्ड के लिए है ये सिर्फ स्कूल क्लासेस के लिए है क्योंकि स्कूल का करिकुलम जो है शिफ्ट हो गया है इस बार सही टाइम से सेशन आपके चालू नहीं हुए हैं तो थर्टी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं और क्या क्या उनका महत्व था यह सारा मैं आपको बता रहा हूँ टेलीग्राम पे ऑलरेडी आपको पीडीएफ डी मिल जाएंगी सो आप लोग जाकर वहां से पी डी भी डाउनलोड कर सकते हो और आप पता लगा सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं मैं आपको यहां भी पूरा का पूरा इलेबोरेट कर दूंगा सो इफ यू हैव नॉट जॉइन माय टेलीग्राम येट तो एक बार मुझे टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का नाम है ओजोन क्लासेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0 जो हमारा बैकअप चैनल है सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप दोस्ती यारी बात शात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माई इंस्टाग्राम हैंडल राइट तो बात करते हैं सो so, ये कुछ डिलीटेड पोर्शन है आपके क्लास इलेवंथ बायोलॉजी के ओके सो ये आपका बोर्ड का कोड है देखो कोड नंबर जीरो फोर फोर राइट सो यहां से आपको पता लग जाना चाहिए ये सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की बात हो रही है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का इसमें कोई लेना देना नहीं है सो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी आपका जो यू नो द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट और एनिमल किंगडम से क्या क्या डिलीट हुआ है आपका टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स डिलीट हो गया है टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी जो आपके टेक्सोमिकल एड थे म्यूजियम जुलॉजिकल पार्क हर्बेरियम बोटेनिकल गार्डन एंड कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ये डिलीट हो गए हैं देन आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज इट इज है प्लांट किंगडम से आपका एनजीओ में एनजीओ और उसकी क्लासिफिकेशन अप टू क्लास और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड एग्जाम्पल्स ये जो है डिलीट हो गए हैं जिसका कोई फायदा नहीं है अब आप लोग सोचोगे सर ये तो डिलीट हुआ लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ है क्योंकि ये तो आपका अनाटमी में भी है सेम चीज राइट और प्लांट किंगडम को आप लोग जो एनजीओ है ये यहां से तो डिलीट कर दिया लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंगटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से कौन डिलीट करेगा सो so, ऑटोमेटिकली ये चीजें वैसी की वैसे रह गई सो so, मॉर्फोलॉजी में आपका क्या क्या डिलीट हुआ है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज रूट स्टेम लीफ फ्रूट सीड यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट एक चला गया और फैमिली में आपका फेबिस डिलीट हो गया यानी आपका और सोलेनेसी बचा हुआ है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में नाटमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज सिस्टम इन डायकॉट एंड मोनोकॉट और सेकंडी ग्रोथ जिससे आपका हर साल क्वेश्चन आता था ये आपका एलिमिनेट हो गया है ओके बट नीट में इससे क्वेश्चन आने वाले हैं देखो यार ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नीट के तो ये तो डिलीट हो ही नहीं सकते स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम दैट इज डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी नर्वस रिप्रोडक्टिव ऑफ कॉक्रोच आपके डिलीट हो गए हैं राइट right? यानी कि आपका अर्थवॉर्म फ्रॉग पहले ही नहीं था सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का पार्ट कॉक्रोच वैसे उड़ गया यानी सेवन चैप्टर में आपका सिर्फ टिश्यू टिश्यू बचा है आपका चैप्टर इलेवेंथ यानी कि आपका सेल सेलन बायोमोलिक्यूल सेल साइकिल सेल डिविशन में कुछ डिलीट नहीं हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में आपका मूवमेंट ऑफ वाटर डिलीट हो गया है गैसेज एंड न्यूट्रीएंस सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लांट वाटर रिलेशनशिप इंबाइबेशन वाटर पोटेंशियल ऑस्मोसिस प्लास्मोलिसिस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब यार पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसकी सारी एनसीआर हेडिंग्स यहाँ पर दे रखी है ये चैप्टर लगभग गया मिनरल न्यूट्रिशन में आपके एसेंशियल मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिय रोल्स डेफिशेंसी सिम्टम्स मिनरल टॉक्सिसिटी और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म तक सारा का सारा गया यानी ये चैप्टर भी आपका उड़ गया ओके चैप्टर फिफ्टींथ में आपका सीड जर्मिनेशन फेजिज ऑफ ग्रोथ और कंडीशन ऑफ ग्रोथ डिफ्रेंशिएशन डीडिफ्रेंशिएशन रीडिफ्रेंशिएशन सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट सेल सीड डॉर्मेंसी वर्नालाइजेशन एंड फोटोपीरोडिजम यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को छोड़ के प्लांट हार्मोन्स की डिस्कवरी और उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को छोड़ के पूरा चैप्टर आपका उ गया चैप्टर सिक्सटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड ये गए रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मो पेरेस्टाइल डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स कैलोरोफिक वैल्यू जो कि आपका नया आर्टिकल एड हुआ था कार्बोहाइड्रेट फैट न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो नया आर्टिकल था इनडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन जो कि आपकी डाइजेस्टिव डिसीजेस थी और डिसऑर्डर्स थे सारे गए के बाद ब्रीदिंग और आपके आ, बॉडी सर्कुलेशन में कोई चेंज नहीं है यहाँ पर मूवमेंट जो थी आपकी सिलियर फ्लैजल मस्कुलर जो कि पहला आर्टिकल है इस चैप्टर का उसके बाद स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स आपके के डिफरेंट टाइप डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम ये आपका डिलीट हो गया यानी कहने को आपको यू you नो know, जो बेसिक आपका मैकेनिज्म है ओके मसल कॉन्ट्रेक्शन का आपका वो जो मैकेनिज्म है वो आपका रहता है और कुछ इंपॉर्टेंट आपके मसल प्रोटीन के बारे में बेसिक नॉलेज आपको जाननी है वो सिर्फ आपका बचा हुआ है चैप्टर इक्कीस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन गया सेंसरी परसेप्शन गया सेंस ऑर्गन्स गए ओके एलिमेंट्री स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर यानी सेंस ऑर्गन चले गए यानी आपको जो है बेसिकली जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपका न्यूरॉन्स था उसके बाद आपका ओरिजिन कंडक्शन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स था साइनेप्सिस था वहां तक आपको पढ़ना है एंड के जो टिपिकल पार्ट्स से सेंस ऑर्गन वह अब आपको नहीं पढ़ने प्रैक्टिकल में से भी काफ़ी सारी चीज़ें चली गई हैं जो कि आप लोग डिटेल में देख सकते हो बिकॉज हर स्कूल में सेम प्रैक्टिकल्स नहीं होते कहने के लिए तो ये सिलेबस सबके लिए सेम है काफी सारे प्राइवेट स्कूल्स करा देते हैं काफी स्कूल्स नहीं कराते काफी स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें भी होते हैं काफी में नहीं होते सो इट टोटली डिपेंड्स कईयों में फॉर्मेलिटी होती है सिर्फ कॉपी बनानी होती है हमें तो ये आप लोग यू कैन जस्ट हैव अ लुक अगर आपके स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं तो यू कैन जस्ट यू नो नोट इट डाउन देन आपका अगर आप रिप्रोडक्शन देखेंगे तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसे जब देखा गया है ऑल ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्शुअल और सेक्सुअल बाइनरी फीजन पोरुलेन बडिंग एम्यूल फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपका काट दिया है यानी सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपकी जो प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं और एम्ब्रियोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं सीड के बारे में है आपका ये सब आपको देखना है वगैरह के बारे में उसके बाद आपका सारा का सारा एज एजेंटे सेम है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन में से काफी सारी चीजें फिर आपकी कटती हैं ह्यूमन इवोल्यूशन तक क्योंकि चैप्टर काफी कॉम्प्लेक्स था तो इसे जो है अब नॉर्मली इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हटा दिए गए हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर स्ट्रैटेजीज फॉर एनहैंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में एनिमल हस्बेंड्री प्लांट ब्रीडिंग टिश्यू कल्चर एंड सिंगल सेल प्रोटीन लगभग लगभग हटा दिया है तो यार मतलब चैप्टर गया है इसमें बेसिक यही पॉइंट्स थे इसके अलावा कुछ था ही नहीं राइट इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग वो भी आपके एनिमल हस्बेंड्री में ही आती है तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्टिव में तो देखो बचा नहीं है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में आपका ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन सेफ है इकोसिस्टम में आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स प्रोडक्टिविटी ओके ऑक्सीजन रिलीज वगैरह सीड डिस्पर्जल पॉलीनेशन कार्बन फिक्सेशन ये जो सारी चीज थी ये आपकी हटा दी गई है एनवायरमेंटल इश्यूज जो आपका चैप्टर था एनवायरमेंटल इश्यूज में से काफी सारी जो चीजें आपकी हटा दी है यू कैन जस्ट चेक इट डाउन ओके एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट अब देखो अगर तुम अंदाजा लगाओ 2019 में नीट से क्वेश्चन एक तो रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट पे आया था एक आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे आया था आपका ओके okay? जो आपके यू नो पॉलीब्लेंड वाला क्वेश्चन था तो इनको कैसे हटाया जा सकता है इनको नहीं हटाया जा सकता यार ऑब्वियसली दीज आ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू राइट और फिर आपके ये एक्सपेरिमेंट है जो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपके हटा दिए गए हैं सो टोटली डिपेंड्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल जैसा कि मैं कह रहा हूँ तो उसी हिसाब से सिमिलरली आपके फिजिक्स में भी काफी सारे चैप्टर जो हैं वो आपके हटा दिए गए हैं राइट right? जैसे कि आपका फिजिकल वर्ल्ड है तो इसमें जो है फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट यू नो नेचर फिजिक्स लॉज और आपके फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ये जो है आपके इंटीग्रेट होकर आएंगे अदर टॉपिक्स के साथ तो यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा आपको दिया हुआ है आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे आप लोग डाउनलोड करके अपने एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो ये कौन सी चीज़ें आपकी यू नो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दी गई है और बची हुई सारी चीज़ें तो देखो ऑटोमेटिकली नीट में आएंगी ही तो हमें तो पूरा ही पढ़ना है चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओके तो हमें जो है सारा पढ़ना है लेकिन बोर्ड के लिए जो हम पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे, यहां पे यह आपका पूरा का पूरा फिजिक्स बता रखी है आपके इलेवेंथ क्लास की सिमिलरली यहाँ पर आपके ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स के टॉपिक बता रखे हैं कि कौन कौन सी चीज जो है आपकी हटा दी गई है जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो का फर्स्ट चैप्टर है इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज थिन फेरिकल शेल जो है ये आपका इन साइड और आउटसाइड जबासम आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसकी वैल्यू वो आपका हटा दिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रजिस्टर कलर कोड रजिस्टर ये सारी चीजें हटा दी गई हैं तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं राइट सो so, नीचे आपको प्रैक्टिकल्स भी दिए हुए क्लास के जैसा कि मैंने बताया इसमें आपका यू you नो know, आप अपने स्कूल के हिसाब से इसे जज कर सकते हैं देन सिमिलरली आपका केमिस्ट्री में इलेवंथ क्लास में क्या क्या हटाया गया है पोर्शन जो रिड्यूस कर दिया गया है वो यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट आपकी यहाँ पर दी हुई है सो यू कैन हैव अ लुक सिमिलरली सिमिलरलीज आर द इलेवंथ क्लास चैप्टर्स दैट आर रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड दीज आर द प्रैक्टिकल्स दैट आर यू नो नॉट गोना बी डन दिस अकेडमिक ईयर आफ्टर दैट देर इज क्लास ट्वेल्थ पोर्शन हैज बीन कॉल्ड अप ओवर इसके बाद जो है आपको पूरा का पूरा ट्वेल्थ क्लास का बताया हुआ है कि कौन कौन से पोर्शन आपके काट दिए गए हैं इस मार्क का मतलब यह है कि अल्डिहाइड की टोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है वो चैप्टर एज एट इज आएगा राइट तो आपको ये चीज याद रखनी है सो so, आपके फिर प्रैक्टिकल यहाँ पर बताए हुए हैं तो ये सारी चीजें जो है आपको नोट डाउन करनी है टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियोज रेगुलरली आ रही है और दिन की चार वीडियो आ रही है सो ऑब्बियसली यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड ग्राफ ऑफ बायोलॉजी फिजिक्स ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गट अ फैकल्टी ऑफ केमस्ट्री बट थोड़ा बहुत यार क्योंकि लॉकडाउन है देखो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी मेरी भी है तो uh, नहीं हो पा रहा अभी फिलहाल ठीक से लेकिन कुछ जुगाड़ आपके लिए नीट से पहले मैं पक्का करूंगा ये मेरा वादा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड विद द चैनल एंड दीज आर द प्रैक्टिकल्स जो कि आपके डिलीट हुए हैं राइट तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नीट और जेई पे इसका नहीं फ़र्क पड़ेगा ये सिर्फ आपके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ओरिएटेड चीज़ें हैं तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है राइट right? थैंक यू सो मच गाइज लॉर्ड्स ऑफ लव एल कैच इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि ट्रिक होने वाली आज थैंक यू बाय